बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने इंटीजर डेटा टाइप की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम डेटा टाइप्स की दूसरी किस्म फ्लोट डेटा टाइप की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, फ्लोटिंग डेटा टाइप्स क्या होती हैं? द फ्लोट डेटा टाइप रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, यानी ये जो फ्लोट डेटा टाइप है ये खास तौर से फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को मेमोरी में स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कौन सी वैल्यूज होती हैं? और ये देखिए, एनी साइंड और अनसाइंड वैल्यूज हैविंग फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। यानी इस तरह की वैल्यूज जिनमें डेसिमल लगा हुआ हो, तो ऐसी वैल्यूज कहलाती हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ये वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, यानी प्लस के साथ साइन के साथ भी हो सकती हैं, और नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं। जैसे 5.2 एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। इसी तरीके से -1.036 ये भी एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। बिल्कुल ऐसे ही 0.0001096 ये भी एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। यानी वो तमाम वैल्यूज जिनके दरमियान आपको अशारिया नजर आ रहा हो, डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा हो, इस तरह की वैल्यूज को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कहा जाता है। और इनको मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए आपको इंटीजर डेटा टाइप की जरूरत नहीं होती, बल्कि इनको मेमोरी में स्टोर करने के लिए एक न्यू डेटा टाइप इस्तेमाल की जाती है जो कहलाती है फ्लोट डेटा टाइप। लेकिन डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, आइए देखते हैं। यानी आप इस तरह से कंप्यूटर में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते। तो आज हम देखेंगे कि इंटरनली कंप्यूटर इन वैल्यूज को किस तरह से स्टोर करता है। दोस्तों, ये आपके सामने एक नंबर है जो एक नॉर्मल नंबर है, जिसको हम फ्लोट नोटेशन नंबर भी कह सकते हैं। अब इस फ्लोट नोटेशन नंबर को हमें चेंज करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर ही फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को मेमोरी में स्टोर करता है। यानी यहाँ पर इसको हमें चेंज करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो सबसे पहले हम इसको मैथमेटिक्स में हम किस तरह से इसको चेंज करते हैं उसको देख लेते हैं, ताकि फिर हमें आगे का काम आसानी से समझ आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट आपका यहाँ पर मौजूद है। अब इस पॉइंट को आपको मूव करवाना है 2 के बाद। तो दोस्तों, ये पॉइंट 2 के बाद जाएगा, तो यहाँ पर इसको 3 वैल्यूज को क्रॉस करना पड़ेगा। पहले ये 0 से पहले आएगा, फिर उसके बाद 3 से पहले मूव करेगा, उसके बाद 7 से पहले मूव करेगा। तो आप देख सकते हैं इसने 3 नंबर्स को क्रॉस किया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर 10 की पावर जो है वो 3 आ जाएगी। और क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, इसीलिए इसकी डायरेक्शन की वजह से हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, अगर ये लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आएगा। अब ये आपने इसको मैथमेटिक्स के नोटेशन के अंदर तो चेंज कर लिया, अब बारी आती है इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में तब्दील करने की। दोस्तों, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में तब्दील करने के लिए यहाँ पर ये जो पूरा आपको इंटीजर नजर आ रहा है, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नजर आ रही है 2.730, ये कहलाती है मैंटिसा। उसके बाद बेस 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ई से, यानी आप यहाँ पर स्मॉल ई भी लिख सकते हैं और कैपिटल ई भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये जो प्लस साइन है, ये इंडिकेट करता है कि आपका डेसिमल पॉइंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा था, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी ये इसी तरह इंडिकेट करता है। और 3 ये बता रहा है कि मैं 10 की पावर हूँ, यानी 3 जो है वो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और अहम बात कि अगर आपका जो पॉइंट है वो राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है तो आपकी पावर जो है वो पॉजिटिव होगी, और अगर पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो पावर में आपको पावर के साथ नेगेटिव लिखना होगा। और उसके बाद दोस्तों, आखिर में आप पावर को यहाँ पर लिख देंगे। आइए इसको एक और नंबर से हम डिटेल में देखते हैं, ताकि ये हमें और अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक नंबर है -7.29। अब हम इसको मैथमेटिकल नोटेशन में तब्दील करेंगे तो ये बन जाएगा 729.0। अब आप देख सकते हैं कि हमने पॉइंट को यहाँ पर मूव नहीं करवाया, बल्कि हमने पॉइंट को जो है वो राइट जानिब मूव करवाया है, बाएं जानिब मूव करवाया है। तो क्योंकि हमने सिर्फ 2 वैल्यूज को क्रॉस किया है, इसीलिए पावर आ गई है 2, और हमने यहाँ पर इसको लेफ्ट टू राइट मूव करवाया है, इसीलिए यहाँ पर पावर में आ गया है -2। अब इसको एक्सपोनेंशियल रोटेशन में तब्दील करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये हो गया मेंटिसा, ये बेस 10 हो गई ई, और -2 एज इट इज आ गया। इस तरीके से दोस्तों, आप किसी भी
फ्लोट नोटेशन को बासानी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में तब्दील कर सकते हैं। वैसे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर इंटरनली ऐसा करता है, लेकिन आपको बताने का ये मकसद है कि आपको पता हो कि कंप्यूटर के अंदर जब हम कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करवाते हैं मेमोरी के अंदर, तो वो किस तरीके से स्टोर होती है। अब दोस्तों बात आती है कि जिस तरह फ्लोट डेटा की एक टाइप है, बिल्कुल ऐसे ही फ्लोट की भी सब टाइप्स हैं। जिनमें पहली टाइप है वो कहलाती है फ्लोट। दोस्तों फ्लोट जो है ये मेमोरी के अंदर 4 bytes के डेटा को रिजर्व 4 byte की स्पेस को रिजर्व करती है। यानी एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए ये 4 byte तक की मेमोरी को रिजर्व करती है। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट देखिए, द प्रिसिशन वैल्यू ऑफ फ्लोट इज 6। दोस्तों यहाँ पर प्रिसिशन से मुराद है कि कितने डिजिट्स डेसिमल के बाद स्टोर किए जा सकते हैं एक्यूरेटली। यानी दोस्तों जब हम कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर से, तो अक्सर आपके पास जो वैल्यूज आती हैं वो काफी ज्यादा आ रही होती हैं। जैसे अगर हम पाई को ही देखें तो उसकी वैल्यू होती है 3.14159681 2 एंड एक्सेट्रा। यानी हजारों और लाखों की तादाद में पॉइंट के बाद वैल्यूज आ रही होती हैं। तो अगर आप फ्लोट डेटा टाइप यूज करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज को ही कंसिडर करेगा और बाकी जितनी वैल्यूज हैं उनको कंसिडर नहीं करेगा, उनकी जगह ये अपनी तरफ से कोई भी वैल्यूज लिख देगा। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो रेंज है वो है 3.4 exponent -38 to 3.4 exponent +38। तो दोस्तों यहाँ पर रेंज बिल्कुल वैसी ही रेंज है जो कि हमने इंटीजर में पढ़ी थी, क्योंकि ये साइन और अनसाइन दोनों ही तरह की वैल्यूज को स्टोर कर सकती है। इसीलिए इसकी जो रेंज है ये भी नेगेटिव से, यानी इसका जो मिनिमम नंबर होगा वो नेगेटिव वैल्यूज से स्टार्ट होगा और जो मैक्सिमम नंबर होगा वो पॉजिटिव वैल्यूज पर मुश्तमिल होगा, उसकी जो एक्सपोनेंट होगी वो पॉजिटिव होगी। इसके अलावा दोस्तों इसको प्रिंट करवाने के लिए जिस स्पेसिफायर का यूज किया जाता है वो है %f। जिस तरह इंटीजर के अंदर हम %d को यूज करते थे, यहाँ पर हम %f को यूज करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप है फ्लोट की सब टाइप है वो है डबल डेटा टाइप। दोस्तों डबल डेटा टाइप ऐसी डेटा टाइप है जो कि मेमोरी में 8 byte तक के फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर कर सकती है। इनकी प्रिसिशन वैल्यू है 15, यानी ये पॉइंट के बाद 15 वैल्यूज को एक्यूरेटली स्टोर कर सकती है और इनकी रेंज है 1.7 exponent -308 to 1.7 exponent +308। तो दोस्तों इनको प्रिंट करवाने के लिए आप जिस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं वो कहलाता है LF। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप है और आखिरी डेटा टाइप है फ्लोट की वो है लॉन्ग डबल डेटा टाइप। दोस्तों लॉन्ग डबल डेटा टाइप मेमोरी में 12 या फिर 16 बाइट तक की डेटा को 16 बाइट तक की स्पेस को रिजर्व कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर जो है ये इसकी जो बाइट्स हैं ये मशीन टू मशीन जो है वो चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी मशीन में ये 12 बाइट रिजर्व कर रही है और मेरी मशीन में ये 16 बाइट रिजर्व कर रही है। तो ये डिपेंड करता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर। इसकी प्रिसिशन वैल्यू है 19, यानी पॉइंट के बाद 19 वैल्यूज तक को एक्यूरेटली ये उसको स्टोर कर सकती है। इसके बाद इसकी रेंज देखिए 3.4 exponent -4932 to 1.1 exponent -4932। दोस्तों यहाँ पर +4932 कर लीजिएगा और आखिर में इसको प्रिंट करवाने के लिए हम जिस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं वो कहलाता है %L और small l। तो दोस्तों आइए आप इसको किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं प्रोग्राम में, इसकी प्रिसिशन वैल्यूज आप किस तरह से मालूम कर सकते हैं ये देखिए। दोस्तों ये आपके सामने एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि मेरे कंप्यूटर के अंदर जो फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल डेटा टाइप है ये कितने बाइट्स की मेमोरी को रिजर्व करती है। तो यहाँ पर ये मालूम करने के लिए हम एक ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं विच इज अ साइज ऑफ ऑपरेटर। इसको हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं इंटीजर के अंदर। दोस्तों ये जो साइज ऑफ ऑपरेटर है ये रिटर्न करता है एक इंटीजर वैल्यू कि आप जिस डेटा टाइप का नेम यहाँ पर लिख रहे हैं उसकी स्पेस मेमोरी में वो कितनी स्पेस को रिजर्व कर रहा है ये उसका रिजल्ट आपको शो करता है। तो हम सबसे पहले इसको कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया है, एरर में 0 आ रहा है और ये हम इसको रन कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लोट का साइज है 4, डबल का साइज है 8
और लॉन्ग डबल का साइज है 16। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं पर इसका साइज 12 होता है किसी मशीन में और किसी मशीन में होता है 16। तो दोस्तों इतना बड़ा साइज रखने का जो फायदा है वो ये है कि ये पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा वैल्यूज को एक्यूरेटली स्टोर कर सकती है, क्योंकि कुछ जगहों पर हमें जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसी सेंसिटिव सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहां पर हमें पॉइंट के बाद की वैल्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। छोटी छोटी जो वैल्यूज होती है पॉइंट के बाद, माइनर वैल्यूज, वो बहुत ज्यादा काउंट करती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें एक्यूरेसी की जरूरत होती है, इसलिए इस तरह की जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वहां पर लॉन्ग डबल को यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर आप पॉइंट के बाद ज्यादा वैल्यूज को स्टोर नहीं करवाना चाहते तो आप फ्लोट को भी यूज कर सकते हैं और अपनी मेमोरी को बचा सकते हैं। दोस्तों ये वो तरीकेकार है जिसके जरिए आप फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल की बाइट्स को देख सकते हैं कि वो मेमोरी में कितने बाइट्स को रिजर्व करती है। दोस्तों ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक और प्रोग्राम आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर हमने दो इंटीजर टाइप वेरिएबल्स दिए हैं और उनके अंदर हमने वैल्यूज स्टोर करवाई हैं 10 और दूसरी में 3, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यूज हैं। अब दोस्तों हमने इन दोनों वेरिएबल्स को डिवाइड किया, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद रिजल्ट एक तीसरे इंटीजर टाइप वेरिएबल के अंदर रिजल्ट स्टोर करवा दिया जिसका नाम है सी। अब दोस्तों हम इसका रिजल्ट देखते हैं। अगर आप कैलकुलेटर से इसका रिजल्ट देखें तो वो आएगा 3.333, यानी जो ये पॉइंट के बाद 3 है ये रिपीट होता रहेगा। अब देखते हैं कि क्या कंप्यूटर भी आपको यही इसका रिजल्ट देता है। तो मैं यहाँ पर F11 करूंगी तो ये कंपाइल और रन एक साथ हो जाएगा। और दोस्तों ये देखिए आपको रिजल्ट में नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 3। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ हमने कोशिश की है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, यानी ऐसी वैल्यू जिसके अंदर आपको पॉइंट नजर आएगा। लेकिन और आप उस पॉइंट वाली वैल्यूज को स्टोर करवाने जा रहे हैं एक इंटीजर के अंदर, एक इंटीजर टाइप के अंदर, जबकि हम ये जानते हैं कि इंटीजर में हम सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं जिनके अंदर पॉइंट नहीं आता, जिनके अंदर किसी किस्म की कोई डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं होता। तो अब क्या होगा, ये जो इंटीजर है ये पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज को तो शुरू करवा देगा और पॉइंट के बाद जो वैल्यूज हैं उनको डिस्कार्ड कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3.33 के बजाय इसने सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू को जो कि 3 है इसको ही शो किया है और बाकी वैल्यूज को इसे ट्रंकेट कर दिया है, हटा दिया है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज भी शो हो तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम अपना रिजल्ट जो है वो एक फ्लोट डेटा टाइप के अंदर स्टोर करवा दें। अभी हमने सी को एक इंटीजर डेटा टाइप लिया हुआ है, अब हम इसको फ्लोट डेटा टाइप कर देते हैं तो देखते हैं कि हमारे रिजल्ट में क्या फर्क आता है। अब हमने यहाँ पर फ्लोट लिखा है तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर भी %d से %d के बजाय %f करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्लोट डेटा टाइप को प्रिंट करवाने के लिए जिस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया जाता है वो है %f। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर %d की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया है %f। अब दोस्तों हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम यहाँ से भी इसको कंपाइल कर सकते हैं। हम इसको कंपाइल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट के बाद, यानी रिजल्ट जो है इसने हमें शो किया है 3.000000। तो दोस्तों क्या ये रिजल्ट सही है? बिल्कुल नहीं, इसका रिजल्ट आना चाहिए 3.333। तो ऐसा क्यों हुआ कि इसने हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दिया? तो वो इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने दो इंटीजर वैल्यूज का जो रिजल्ट है वो हमने सेव करवाया है एक फ्लोट वेरिएबल के अंदर। तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें उन एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि अगर आप अपना रिजल्ट फ्लोट के अंदर स्टोर करवा रहे हैं तो जो कैलकुलेशन वहां परफॉर्म करवा रहे हैं जिन नंबर्स पर, उन नंबर्स को भी आपको फ्लोट में ही कन्वर्ट करना चाहिए। तो उस तरीके से आपको फ्लोट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देगा। तो हम सबसे पहले इन इंटीजर वेरिएबल्स को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे और फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर फ्लोट, याद रखिए, सिर्फ ऐसी वैल्यूज को स्टोर करता है जिनके अंदर आपको अशाग्य नजर आ रहा हो, कोई डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा हो। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे 10.0। उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही हम बी को भी जो है वो फ्लोट डाटा टाइप के अंदर तब्दील कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3.0। याद रखिए 3 और 3.0 कंप्यूटर के अंदर दो अलग अलग नंबर माने जाते हैं। 3 जो है वो आप इंटीजर्स के अंदर स्टोर करवा सकते हैं जबकि 3.0 आप इंटीजर्स में स्टोर नहीं करा सकते, उसके लिए आपको फ्लोट डाटा टाइप की जरूरत होगी। अब दोस्तों हम दोबारा से इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद अपने कीबोर्ड से F11 की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट अब आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिला है 3.0
333333. तो इस तरीके से दोस्तों आप जब भी कभी आप ये प्रैक्टिस हमेशा करें कि जब भी कभी आप फ्लोटिंग के अंदर फ्लोट एक फ्लोट पॉइंट वैल्यू जो है आपके रिजल्ट में आ रही हो तो आप जो इनपुट दे रहे हो वो भी कोशिश करें कि वो फ्लोट के अंदर ही दें। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप कैलकुलेटर में करें तो ये वैल्यू रिपीट होती रहेगी 3.33333, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर जो पॉइंट के बाद सिर्फ इसने 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी सिर्फ 6 वैल्यूज को ही इसने आपको शो करवाया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है इसने प्रिसिशन वैल्यू को देखा है। याद रखिए फ्लोट के अंदर आप पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 6 वैल्यूज को ही एक्यूरेटली स्टोर करवा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी आपको ये तमाम वैल्यूज जो है वो 6 तक ही नजर आ रही है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज को शो करवाना चाहते हैं तो आप अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर पर्सन के बाद पॉइंट 2 लगा देंगे, तब आप देखिएगा कि आपको पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज ही नजर आएंगी। इस तरीके से अगर आप 3 वैल्यूज स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप पॉइंट 2 के बाद पॉइंट 2 के अलावा के बजाय आप लिख देंगे पॉइंट 3, उसके बाद आप इसको F11 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप पहले इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद आप दोबारा से इसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब जो आपके पास पॉइंट के बाद वैल्यूज नजर आ रही हैं वो है 3। तो इस तरीके से भी आप जो है वो जितनी वैल्यूज को आप चाहते हैं वो आप शो करवा सकते हैं, लेकिन फ्लोट के अंदर आप सिर्फ 6 वैल्यूज को ही एक्यूरेटली स्टोर करवा सकते हैं। जैसे अगर मान लें मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 16, तो 16 लिखने के बाद मैं इसको कंट्रोल एस करूंगी, कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसको कंपाइल और रन करूंगी तो आप रिजल्ट में देखिएगा कि आपको 6 तक तो आपको वैल्यूज जो है वो एक्यूरेटली नजर आ रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन 6 के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गार्बेज वैल्यूज आ गई हैं, यानी इसने आपको शो तो 16 वैल्यूज ही करी है पॉइंट के बाद क्योंकि आपने यहाँ पर 16 लिख दिया था, लेकिन एक्यूरेट वैल्यूज नहीं है। इसने यहाँ पर जो है अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज इनपुट कर दी है, अपनी मर्जी से आपको वैल्यूज दे दी है जिनकी आपको किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों जो फ्लोट है वो 6 प्रिसिशन वैल्यूज तक की कोई एक्यूरेटली आपको शो करता है, इसीलिए पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज के बाद जो भी वैल्यूज होंगी वो गार्बेज वैल्यू होंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम डबल को देखें, दोस्तों ये आपके सामने एक प्रोग्राम मौजूद है जिसमें हमने एक वेरिएबल की टाइप रखी है फ्लोट और दूसरे वेरिएबल की टाइप रखी है डबल, जिसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज को स्टोर करवाया है, ऑलमोस्ट दोनों वैल्यूज सेम ही है। अब देखते हैं कि फ्लोट जो है वो कितनी एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है पॉइंट के बाद, कितनी एक्यूरेट वैल्यूज जो है स्टोर करता है और डबल कितनी वैल्यूज स्टोर करता है। हम सबसे पहले इसको कंट्रोल एस करेंगे, उसके बाद F11 से इसको कंपाइल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप सब जानते हैं कि फ्लोट जो है वो पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज को एक्यूरेटली स्टोर करता है, इसीलिए यहाँ पर क्योंकि हमने इसको प्रिंट करवाने के लिए लिखा था 0.16, यानी हम चाहते हैं कि ये 16 वैल्यूज को प्रिंट करे, तो यहाँ पर इसने 16 वैल्यूज को तो प्रिंट कर दिया, लेकिन पॉइंट के बाद जो असल जो एक्यूरेट वैल्यूज हैं इन नंबर्स में से वो सिर्फ 6 वैल्यूज को ही उठाया है। जैसे यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 2 है यहाँ तक ये एक्यूरेट वैल्यूज है, तो यहाँ पर 2 के बाद आप देखिए कि इसने अपनी तरफ से कोई गार्बेज वैल्यूज 16 पॉइंट्स तक इसने जो है गार्बेज वैल्यूज को प्रिंट किया है। इसीलिए दोस्तों फ्लोट जो है वो प्रिसिशन वैल्यूज की 6 होती है, विच मींस कि पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 6 वैल्यूज को ही एक्यूरेटली स्टोर करता है, जबकि डबल जो है ये पॉइंट के बाद 15 वैल्यूज को एक्यूरेटली स्टोर करता है, इसीलिए यहाँ पर 15 जो है वो S2 तक आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसने S2 तक तो एक्यूरेटली स्टोर कर दिया, लेकिन 2 के बाद आपको नजर आ रहा है यहाँ पर 3, तो इसने यहाँ पर 3 को प्रिंट नहीं किया बल्कि अपनी तरफ से किसी भी गार्बेज वैल्यूज को प्रिंट कर दिया, विच मींस कि फ्लोट जो है ये प्रिसिशन वैल्यू प्रोवाइड करता है 6, जबकि डबल प्रिसिशन वैल्यू प्रोवाइड करता है 15, तो ये पॉइंट के बाद आपको 15 एक्यूरेट वैल्यूज ही स्टोर कर। दोस्तों लेकिन यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर प्रिसिशन से क्या मुराद है और किस तरीके से ये 4, 8, 12 या फिर 16 बाइट्स को रिजर्व करते हैं, और आप अपने प्रोग्राम में किस तरह से फ्लोट डेटा टाइप्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं और उन वैल्यूज को यानी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नई डेटा टाइप को, विच इज अ कैरेक्टर डेटा टाइप। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।